समर्पण किसी स्थान का नाम नहीं है, समर्पण अंतर्मन की समर्पित स्थिति का नाम। और कहाँ? हर परिस्थिति में। कहाँ? हर स्थान में। कब? हर समय। हर स्थान, हर समय, हर परिस्थिति में समर्पण भाव, ये वास्तविक समर्पण है। उसके बाह्य रूप कुछ और हो सकते हैं, परंतु वो होकर भी समर्पण यदि भीतरी नहीं है, आंतरिक नहीं है, तो वो बाहर का समर्पण, कपड़ों वाला, बैच वाला, स्थान वाला या समारोह वाला, अपूर्ण है। तो हम सब कौन हैं? द हाईएस्ट। द हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचे। कितने ऊंचे? प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, और कौन? राजे, महाराजे, सकामी राजे, सब झुकने वाले। द होलीएस्ट। कितने 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 होलीएस्ट? कितने? कौन झुकता है? धर्म पिता, महान आत्माएं, सब। रिचेस्ट। कितने? मिलियनेयर, अरबपति, खरबपति, सबसे ज्यादा। सात प्रकार की पवित्रता की चर्चा है मुरली में। तन, पहली पवित्रता शरीर की, शरीर में हम क्या डाल रहे हैं। मन, विचार कैसे हैं। धन, पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कमाते समय कौन सा कॉन्शियसनेस है। चौथी पवित्रता वचन की, बोल, तुम्हारे बोल में प्यूरिटी के वाइब्रेशंस हो। पांचवी पवित्रता कर्म, कर्म की पवित्रता, एक्शंस। छठवी पवित्रता संबंध और संपर्क। इसी मुरली में संबंध संपर्क के विषय में और एक वाक्य है बहुत पावरफुल, कौन सा? वेस्ट। वेस्ट संबंध संपर्क क्या करते हैं? अकाउंट को खाली कर देते हैं। वेस्ट रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस डिप्लीट द अकाउंट, अकाउंट को खाली कर देते हैं। और सातवें नंबर की कौन सी पवित्रता है? स्वप्न। स्वप्न में भी पवित्रता, होलीएस्ट, सबसे ज्यादा प्योर। तुम ही थे, तुम ही हो और तुम ही बनोगे। तो हम कौन हैं? द प्योरेस्ट, द होलीएस्ट, सबसे ज्यादा प्योर, सैक्रोसैंक्ट। तन पवित्र, मन पवित्र, धन पवित्र, वचन पवित्र, कर्म पवित्र, संबंध संपर्क पवित्र, और सातवां स्वप्न भी पवित्र। अगर स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है तो जरूर किसी ना किसी इंद्रिय के द्वारा कुछ ना कुछ जा रहा है भीतर, आँखों के द्वारा, कानों के द्वारा या मुख के द्वारा, कोई ना कोई तो स्टिमुलस है, साइकोलॉजिकल स्टिमुलस मन में, ऑडिटरी कानों से, विजुअल स्टिमुलस, ये तीन मेन है, और टैक्टाइल टच।
तो हम कौन हैं? द प्योरेस्ट धर्म पिता। कितनी महान आत्माएं, संत, महात्मा, योगी, तपस्वी, कितने संसार में पवित्र आत्माएं आई हैं। बाबा ने कहा उनकी पवित्रता और तुम्हारी पवित्रता में अंतर है। क्या क्या अंतर है? उनकी पवित्रता और तुम्हारी पवित्रता में अंतर है क्या? आधा करप चलेगी और उनकी एक जन्म। और मन, वचन, कर्म की पवित्रता है। तन, मन, धन, संबंध, संपर्क की पवित्रता प्रालब्ध के रूप में उनकी एक ही जन्म की है। और वो भी डिसेंडिंग है, गिरती हुई, इस जन्म में है, अगले जन्म में डाउन 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 हमारी चढ़ती हुई है। उनकी शास्त्र अनुसार है, उनकी मनुष्य मत की है, हमारी श्रीमत के अनुसार है। तो सबसे पहले तुम कौन हो? द प्योरेस्ट। दूसरा द हाईएस्ट, सबसे ऊंचे। कितने ऊंचे? राजा, महाराजा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सब छोटे हैं तुम्हारे आगे। इतने ऊंचे। और तीसरा रिचेस्ट, खजानों की क्या विशेषता है हमारे? चार विशेषताएं हैं। चोर लूट नहीं सकता, राजा खा नहीं सकता, आग और पानी डुबा नहीं सकता, और हवा हवा उड़ा नहीं सकता, और धरती निगल नहीं सकती, और पशु पक्षी और जानवर खा नहीं सकते। अदृश्य खजाने। कैसे खजाने हैं? अदृश्य, बहुत सूक्ष्म खजाने, श्रेष्ठतम खजाने हैं। मिलियनेर, अरबपति, खरबपति, हर कदम में क्या है? पदम। कौन हो तुम? पद्मा पदम पति। तो ये तीन चीजें हैं मुरली में। और ये सब क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि तुमने कोई तो त्याग किया है, उस त्याग से भाग्य मिला है। प्रिंस टू बेगर, बेगर टू प्रिंस, बेगर अर्थात त्याग, प्रिंस अर्थात भाग्य। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, दो ऑप्शंस दिए हैं। ऑप्शन नंबर वन, मेरा को क्या करो? तेरा। पर ये नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर टू है क्या? ये होता नहीं है, डिफिकल्ट है। तो ऑप्शन नंबर टू है, वो क्या? मेरा बाबा, अनेक मेरे को एक बाबा में समा दो। रशियन डॉल्स का उदाहरण दिया, एक डॉल निकालो, दूसरी 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 दूसरी, देखा होगा ना चित्र डॉल्स का। अनेक मेरे को एक मेरे में समा देना, ये ऑप्शन टू। और ऑप्शन वन क्या है? मेरे को तेरा, मेरे को तेरा, जो जो मेरा दिखता है वहां क्या करना है? तेरा तेरा तेरा। मोबाइल तेरा, लाओ पर्स
और गहने जो लॉकर में रखे हैं वो बाबा के। स्टिकर क्या? स्टिकर लगा देना बाबा का, बाबा का घर, बाबा की कार, सब कुछ उसका। यहां पर भी समर्पण भाव। एक जुलाया था, जुलाया जो कपड़े बुनता है ना, उसके मुख पर निरंतर राम 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 का ही नाम रहता था। वो कपड़े भी बेचता था तो राम की इच्छा से, राम की इच्छा से। ये कपड़ा कितने का दिया? तो वो कहता था कपड़े की कीमत है 6 रुपए, बुनाई की कीमत 6 रुपए, 2 रुपए मजदूरी के, और फिर 4 रुपए मेरी लाभ, तो ऐसे 12 रुपए राम की इच्छा से। तो एक बार जब वो दुकान से लौट रहा था, 4 चोर वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने देखा वो कहीं डाका डालने जा रहे थे और उनको एक व्यक्ति चाहिए था जिसके ऊपर वो सारा चोरी का माल हम लाद दे। तो वो इसको पकड़ लेते और पकड़ के अपने साथ ले जाते, बहुत सारा पैसा वो लूटते हैं, गहने हैं सब कुछ बोरी में भरते और वो सारा इस व्यक्ति के कंधे पर डाल देते और उसको ले जा रहे थे। अचानक पुलिस वहाँ से गुजर रही होती है और उनकी नज़र उन पर पड़ती है, वो चारों चोर घबरा जाते और भाग जाते और पुलिस इस व्यक्ति को पकड़ लेती है जो कि भोला भाला है, धार्मिक है, भक्त है, सच्चा है, और उसको रात भर कारागार में डाल देते। दूसरे दिन मैजिस्ट्रेट के सामने उसे प्रस्तुत करते हैं और मैजिस्ट्रेट उससे पूछता है बताओ अपनी सफाई में। वो कहता है राम की इच्छा से मैं दुकान में बैठा था, राम की इच्छा से मेरा दुकान का काम पूरा हुआ, और राम की इच्छा से जब मैं वापस लौट रहा था तो राम की इच्छा से ये 4 चोर वहाँ आ गए, और राम की ही इच्छा से इन 4 चोरों ने मुझे पकड़ लिया, और राम की इच्छा से वो मुझे अपने साथ चोरी करने ले गए, और राम की इच्छा से उन्होंने चोरी की, और राम की इच्छा से चोरी का सारा माल मेरे पीठ पर लाद दिया। और उसी समय राम की ही इच्छा थी कि आपके पुलिस वहाँ आ गए, और राम की इच्छा से मुझे रात भर कारागार में रुकना पड़ा, और राम ही की इच्छा से मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो मैजिस्ट्रेट भी सोचने लगता है ये कैसा व्यक्ति है। तब तक उसके गांव वाले लोग यहाँ वहाँ आ जाते और वो बताते कि ये तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति है, ये चोरी कभी कर ही नहीं सकता, और मैजिस्ट्रेट उस चोर को, उस व्यक्ति को छोड़ देते हैं। और जब वो कोर्ट से वापस लौट रहा होता है तो आसपास जो गांव वाले होते हैं उनको कहते हैं राम की इच्छा से मैजिस्ट्रेट ने मुझे छोड़ दिया। होई सोई जो राम रचि राखा, को करे तर्क बड़ा वैसा का, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, क्यों की क्या करते हैं, क्यों लगा देते हैं, और उस भंवर जाल से फिर कभी निकल ही नहीं पाते। वाई मी, परिस्थितियों को स्वीकार कर लेना, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उसे बदलने की कोशिश नहीं कर रहे, परंतु अंतर मन में एक तृप्ति संतुष्टता का भाव, ये मुझे मिला है इससे मैं तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ। संतुष्टता की शक्ति। अभी अभी मुरली चली ना शांतिवन, प्यार अर्थात न्योछावर, प्यार अर्थात न्योछावर, ये है प्यार। तो मेरा क्या है, तेरा, ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास है। जो जो मेरा दिख रहा है, छोटी से छोटी चीज खुद से चालू करो, अपने घर की वस्तुओं को देखो, ये चम्मच बर्तन से लेके सब कुछ, सब कुछ उसका, सब्जियां उसकी, सब उसका, और हम कौन है, संभाल रहे हैं उसको, ट्रस्टी है, हमको दिया गया है। बॉस को शाम को रिपोर्ट करना है, वो बॉस है। तो फर्स्ट पॉइंट मुरली की, हाईएस्ट हुलिएस्ट रिचेस्ट। मुरली का ट्रांजिशन, बीच से टॉपिक चेंज हुआ। कैसे चेंज किया टॉपिक बाबा ने,
कि ये जो तुमको मिला ये तुम्हारा भाग्य, और भाग्य किससे मिलता है? त्याग से। और त्याग कौन सा है? तेरे, मेरे को तेरा करते हैं। तो ऑप्शन वन, मेरे को तेरा, परंतु ये मुश्किल है। तो ऑप्शन टू है, फिर क्या करना? अनेक मेरे को एक मेरा बाबा में समा दे। तीसरा भाग मुरली का, होली पर। जब भी होली पर मुरली होती है तो ये चार पॉइंट कंपलसरी उसमें आने हैं। कौन सी चार पॉइंट? कौन सी चार बातें जो होली से जुड़ी हुई चार बातें? सबसे पहला होली अर्थात प्योर, पवित्र। दूसरा होली अर्थात होली, समर्पण। तीसरा जलाना, और चौथा रंग। इसमें एक ड्रिल बताई है बाबा ने रंग के। वहां पर रंग अर्थात उसके रंग में रंग जाना, अर्थात एक सेकंड में अशरीरी हो जाओ, एक सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता बन जाओ, मन को जहां चाहो वहां एक सेकंड में लगा सको। ऐसी क्या, ऐसी प्रैक्टिस की क्या है? डैश है, आवश्यकता है। ऐसे प्रैक्टिस की आवश्यकता है, ये मेन अभ्यास है। अशरीरी हो जाना, आवाज से परे चले जाना एक सेकंड में, वो भी मन को जहां चाहो वहां टिका दो। तो मन को तीन चीजों में टिकाएंगे, सभी आंखें बंद, मैं कौन हूं देखो, हाईएस्ट, सबसे ऊंचा, हाईएस्ट अरबपति, संसार की जो भी आत्माएं हैं, सबसे महान आत्माएं संसार की, राजा महाराजे, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, सब मेरे सम्मुख हैं। दूसरा रिचेस्ट, सबसे अमीर हूं, सबसे बड़ा खजाना प्राप्त हुआ है, अपने आप को देखो। तीसरा सबसे पवित्र, सारे धर्म पिता मेरे सम्मुख हैं, मेरी पवित्रता इन सबसे अधिक है। वापस तो मन को रिचेस्ट, हाईएस्ट, होलीएस्ट, एक एक सेकंड में तीन जगह ले जाना, इस स्वरूप से उस स्वरूप, उस स्वरूप से इस स्वरूप। तो होली के चार अर्थ, पहला होलीएस्ट, दूसरा होली, दूसरा हाईएस्ट होली के अर्थ, होली समर्पण, तीसरा जलाना, और चौथा मनाना। पास्ट इज पास्ट, बीती सो बीती, वरदान है ना, जैसे पुराने जन्म की बात है। एचपी बीसी, हाई प्रोफाइल बॉडी कॉन्शियसनेस, इस शब्द को याद रखो। जब भी होली के चार अर्थ याद करने हो तो एच अर्थात होली, पी अर्थात पास्ट इज पास्ट, बी अर्थात बर्निंग, सी अर्थात कलर्स। एचपी बीसी, हाई प्रोफाइल बॉडी कॉन्शियसनेस, ये निमोनिक है। तो चार बातें याद आएगी, पास्ट इज पास्ट, बी बर्निंग, बाबा ने कहा किसको जला दो, बीती बातें पुराने संस्कार, आज की मुरली में है क्या ये सब? अशुद्धि को जला दो, कमजोरी को जला दो, भस्म कर दो, बर्निंग। कलर, कलर किस में हो जाना है? उसके रंग में रंग जाओ। एच होली, होली अर्थात प्यूरिटी, और पी अर्थात पास्ट इज पास्ट, जो हो गया हो गया, अब उसका और चिंतन नहीं करना, सारा जीवन पश्चाताप में गुजारना नहीं है, यह भी टाइम वेस्ट ही है, आगे बढ़ जाना है। क्योंकि हर एक के जीवन में हजारों बातें होती है, उसको पकड़ के अगर बैठेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे,
आज का ही दिन देखो, सुबह से लेकर अब तक कितनी बातें हो गई। जितना जोर से पकड़ेंगे रस्सी को तो क्या होगा, यहां पर लाल दर्द भी होगा। क्या करो, छोड़ दो, छोड़ो, ऐसे पकड़ो, पहले जोर से पकड़ो, अभी के अभी जोर से, और जोर से, और जोर से, अब छोड़ो। सफेद हो जाता है ना, फिर लाल हो जाता है। तो ये चार बातें होली से संबंधित है। फिर यहाँ टॉपिक पूरा हुआ, मुरली को क्या करना है, डिवाइड कर देना है, टुकड़े टुकड़े करना है, पार्टीशन करने है उसके, ताकि वो बुद्धि में रहे। अगर पूरा एक कंटिन्यूअस स्पीच अगर रखेंगे तो वो याद नहीं रहता है और ज्ञान का फिर मनन भी नहीं हो पाता है। फिर बाबा ने कौन सी बात की, भक्त आत्माओं को क्या करो, सकाश्तो, हे रहम दिल, हे देवात्माएं, क्या करो, सकाश दो, शांति की, सुख की अंचली दो आत्माओं को। संसार में दुख बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, परेशानियां बढ़ रही है, चारों तरफ विकारों का ही वातावरण है, विकारों की ही चर्चा है, विकारों का वातावरण है, विकारों की आवाजें हैं, विकारों के ही वीडियोज है, विकारों के ही ऑडियोज है, विकारों के ही गीत है, विकारों की ही किताबें हैं। कोई एक आत्मा बैठकर अगर शुद्ध संकल्प करे और किरणें फैलाए तो कितनी वो पावरफुली सेवा होगी। अपनी वृत्ति से सेवा करो, मन से सेवा करो, तो मनसा सेवा, उसके बाद ये यहां पूरा हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या, साइंस की बात की, साइंस के साधन, दुख भी उसके साथ है क्योंकि उन्होंने खुद ही सुख का अनुभव नहीं किया है, तो दूसरों को सुख का अनुभव कैसे करा सकते हैं। इसके लिए तुम क्या करो, अपनी चेकिंग, किस बात की चेकिंग करो, अपने अकाउंट्स की चेकिंग करो। कैसे करो, किस बुद्धि से करो, विशाल बुद्धि से अकाउंट्स की चेकिंग करो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम इस मुरली में बाबा ने दिया है, जो हर मुरली में कहीं ना कहीं रहता ही है। अपने आप को देखो, मुखड़ा देख ले प्राणी, देखते रहो, चेक करते रहो, चेक करते रहो, चेकर बनो, मेकर बनो, रूलर बनो, कितनी मुरलियां अलग अलग प्रकार की। चेकिंग किसकी करनी है, खुद की। देखना किसको है, खुद को। उसके लिए क्या चाहिए, विशाल बुद्धि। अफ्रीका के जंगल में कुछ आदिवासी रहते थे, उन्होंने आईना कभी देखा नहीं था। तो एक व्यक्ति को आईना मिल जाता है, आईना, मिरर, उसमें देखता है, एकदम आश्चर्य होता है, उसको लगता है मेरे पिताजी। एकदम आंखों से आंसू आने लगते हैं, पिताजी ने तो शरीर छोड़ दिया है, पर उस आईने को देख के, और वो आईना छुपा के रखता है, उसे पता ही नहीं है क्या है, आईना कभी नहीं देखा था, और छुप छुप के उस आईने को देखते रहता है, और जैसे ही कोई आएगा छुपा देता है। उसकी पत्नी को डाउट होता है, और वो एक दिन कैसे भी करके उस आईने को ले लेती है और देखती है, अच्छा तो ये वो चुड़ैल है। सीधा अपनी सांस के पास जाती है, कहती है ये है आपके बेटे की करतूत। सांस देखती है, अरे बूढ़ी है, एक पैर तो कब्र में डूबा है, जल्दी मर जाएगी, चिंता मत कर। देख तो रहे पर क्या देख रहे, जिसको देख रहे उसको ही नहीं समझ पा रहे ये कौन है।
वो बूढ़ी मैं ही हूँ और मैं ही मरने वाली हूँ, ये उसे पता नहीं है। दूसरों का बुढ़ापा दिखता है परंतु खुद का नहीं। विशाल बुद्धि से स्वयं की क्या करो, चेकिंग करो। क्या चेकिंग करो? सुख शांति निस्वार्थ प्रेम सच्चा प्यार, ये खजाने कितने हैं। स्टॉक चेकिंग, सेविंग अकाउंट्स को चेक करो, क्रेडिट कितना है, डेबिट कितना है, जमा कितना हो रहा है और यूज कितना हो रहा है। ज्ञान तो बाबा ने कहा बढ़ता है, पर बाकी सब चीजें घट जाती है अगर हम उसके पीछे वेस्ट करते रहे तो अकाउंट्स को देखो। कर्म अच्छा किया तो तुरंत सुख शांति आनंद सफलता सब मिलता है, परंतु अगर विकर्म हुआ तो लंबा समय क्या चलता है, पश्चाताप चलता है। और ज्ञानियों का पश्चाताप अज्ञानियों के पश्चाताप से बहुत पीड़ादायक होता है, क्योंकि अज्ञानी को तो ये पता ही नहीं कि विकर्म है। उसके हृदय में कितने भी पाप करते रहो, उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता, क्योंकि इतनी परतें हैं विकर्म की, वो तो और झूठ बोलते जाता है। कहता है कुछ नहीं, मैं तो अभी छूट के आ जाऊंगा। जितनी केसेस होती है तो भी उसका कोई भी दुख नहीं है, क्योंकि बहुत विकारों की परतें हैं, परंतु ब्राह्मण आत्मा में इतने विकारों की परतें नहीं है। इसलिए थोड़ा भी पाप हो जाए, थोड़ा भी विकर्म हो जाए तो क्या होता है, बहुत लंबा पश्चाताप होता है कि हमने झूठ बोला, नहीं करना चाहिए था। बाबा क्या कहते हैं, बाबा को भी लगता है ये पावरफुल आत्मा है कि इनको पता है ये करना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, कहना नहीं चाहिए, फिर भी करते रहते। झूठ पाखंड इससे स्वयं को मुक्त करना है। एक दिन का पाखंड दूसरे दिन की आदत बन जाती है, एक दिन का झूठ दूसरे दिन की आदत बन जाती है। जैसे एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की परंपरा बन जाती है, एक पीढ़ी का पाखंड दूसरे पीढ़ी की परंपरा, उसी तरह आज बोला हुआ झूठ वो कल क्या हो जाएगा, आदत बन जाएगी, और फिर उसको बार बार जब रिपीट करेंगे तो फिर पश्चाताप होना बंद हो जाएगा, फिर वो पाप नहीं दिखाई देता है, विकर्म नहीं दिखाई देता है, नॉर्मल एक्ट्स में गिना जाता है। जैसे किसी चर्च में एक फादर एक पादरी प्रवचन देने पहुंचे, बहुत बड़ा पादरी है, बहुत प्रसिद्ध है, उस गांव में पहली बार आया है, उस चर्च में भी पहली बार ही आया। वो कहता है इससे पहले कि मैं कोई प्रवचन दूं, सत्य पर प्रवचन देने आया है, ट्रुथ। वो कहता है मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, वो बाइबल का ही प्रश्न पूछता है, मैथ्यू के 36वें अध्याय का किस किसने पढ़ा है, सभी हाथ खड़ा करते हैं, हमने पढ़ा। ये वैसा ही प्रश्न है अगर कोई पूछे गीता के 36वें अध्याय में क्या है, गीता के कितने अध्याय है, 18। वैसे मैथ्यू के केवल 28 ही चैप्टर्स है, पर कौन ऐसा कहेगा कि हमने बाइबल नहीं पढ़ी, वो भी चर्च में बैठे है, सभी हाथ खड़ा करते हमने पढ़ा है। पादरी देखकर बड़ा दुखी होता है, कहते हैं हाँ तुम ही लोगों को जिसके सामने ये प्रवचन देना चाहिए। पर वो देखता है एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा है जिसने हाथ नहीं खड़ा किया, उसको लगता है एक तो सच्चा मिला। वो बूढ़े व्यक्ति के पास जाके पूछता है तुमने हाथ नहीं खड़ा किया, वो कहता है मुझे सुनाई नहीं देता है, क्या प्रश्न था। वो कहता है मैथ्यू का 36वां अध्याय, 36वां वो तो मैं तो रोज ही पढ़ता हूं डेली, थोड़ी डिफिकल्टीज है आपको प्रवचन में क्लियर कर दो आज, सब फेल, कोई भी मानने को तैयार नहीं कि हमने
मुरली आज की नहीं पढ़ी, हम सब ने पढ़ी, हम तो रोज पढ़ते हैं। झूठ, पाखंड, डिसेप्शन, आत्मवंचना, आत्मप्रवंचना, किसको धोखा दे रहे, किसको? स्वयं को, स्वयं को धोखा दे रहे, बाबा को धोखा दे रहे, यज्ञ को धोखा दे रहे, इस ब्राह्मण परिवार को धोखा दे रहे, मधुवन को धोखा दे रहे, विश्व को धोखा दे रहे, और सबसे मेन तो स्वयं को। तो क्या करनी है? विशाल बुद्धि से स्वयं की चेकिंग, क्रेडिट या डेबिट, ना में जा रहा है या जमा में जा रहा है। सारे दिन भर क्या किया, किस तरह के कर्म किए, और इसमें पावरफुल वाक्य कौन सा बोला? व्यर्थ संबंध संपर्क अकाउंट को खाली कर देते, ये बहुत बहुत पावरफुल वाक्य है। वेस्ट रिलेशनशिप, कितने हमने ऐसे संबंध बना रखे हैं जिसका ना हमें और ना उस व्यक्ति को कुछ फायदा हो रहा है, पर वो संबंध चल रहा है, पर दोनों को ही फायदा नहीं है, दोनों ही नुकसान। इसलिए चेक करो, बाबा ने कहा कौन से रिलेशनशिप्स में वेस्टेज जाता है, लीकेज जाता है, उसको क्या कर दो, खत्म कर दो, समाप्त कर दो। एक तो ये चेकिंग, और क्या कहा मुरली में, और क्या कहा, और क्या कहा? हिमालय वाली कोई बात थी क्या? पुराने हिमालय याद आ गए? 100 वापस, बाबा को 100 हिमालय बहुत पसंद है। ऐसी परिस्थिति आने पर भी क्या हो जाए, 13 कह दो तो क्या हो जाएगा, पहाड़ क्या बन जाएंगे, रूई, रूई को उड़ा सकते हो। सौ हिमालय, जितनी परिस्थिति, समस्याएं, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, चुनौतियां, विरोध, कमेंट्स, व्यंग्यबाण सब आ जाए, चलो रखो पुरुषार्थ। पुरुषार्थ को छोड़ना नहीं, पुरुषार्थ में आलसी नहीं बनना, नहीं तो कहां पहुंचोगे, कहां मिलेंगे, त्रेता में मिलेंगे फिर, ऐसा बोला ना आज, सो जाओ आराम से, सो जाओ। आराम के बारे में भी एक बात कही है कहीं, तो कौन सी, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, पीछे बैठे है ना, आराम से बैठे क्योंकि रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। और यहां पर फिर से वो बात कही है, कौन सी, कि आलसी होंगे तो तृप्ता में मिलेंगे, इसलिए पुरुषार्थ। पूरी मुरली को देखेंगे तो उसमें काम करने वाली, जिस पर काम करना है, कौन कौन सी बातें, सबसे पहला तो प्यूरिटी, 7 प्रकार की प्यूरिटी, ये होमवर्क नंबर 1। दूसरा खजाने और उनकी चेकिंग, पहले खजाने गिनाएं और फिर उनकी चेकिंग, जो भी खजाने, टाइम सबसे बड़ा खजाना है, संकल्प कितना बड़ा खजाना है, प्यूरिटी खजाना है, दुआएं, हमारी वजह से कुछ वेस्ट ना हो यज्ञ का। स्वयं की संभाल करना अर्थात यज्ञ की संभाल करना, तो प्यूरिटी, दूसरा खजाने, तीसरा अपना स्वमान कि हम कौन है, ऊंचे है विश्व की स्टेज पर है, संसार की सभी आत्माओं की नजर मुझ पर है, ये 3 बातें। और होली के लिए फिर से प्यूरिटी,
फिर से समर्पण, और जो पास्ट हो गया है अब तक उसको क्या करना है, फुल स्टॉप, क्योंकि उसका चिंतन करके देख लिया कुछ भी नहीं मिल रहा है। फाइनल एक कंक्लूजन पर पहुंचो कि दिस इज फुल स्टॉप। नॉट को डॉट कर दो, ये नॉट है ना, अब इसको डॉट, नॉट और डॉट, ऐसी एक मुरली भी है। उसके बाद में पास्ट इज पास्ट, और रंग में रंगना, उस पे बाबा ने क्या कहा, ड्रिल्स, एक सेकंड की ड्रिल, मन को इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, एक एक सेकंड में ले जाओ। मुरली की ही पॉइंट्स में, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, दूसरी पॉइंट से तीसरी पॉइंट, ये भी एक ड्रिल ही है। मुरली को मन में रिवाइज करना, ये भी ड्रिल है। एक टेक्निक है जो सिखाई जाती है स्कूल्स में बच्चों को पढ़ने की, मुरली सामने नहीं है अभी सबके, नहीं तो मुरली पढ़ना, टीचर कहता है ओपन तो आंखें खोलते और पढ़ते, टीचर कहता है क्लोज फिर आंखें बंद और क्या पढ़ा याद करो, फिर से ओपन फिर से पढ़ो, फिर क्लोज आंखें बंद फिर याद करो, फिर से ओपन पढ़ो फिर याद करो, क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज। ये प्रैक्टिस कल करना, ठीक है, मुरली पढ़ते समय थोड़ा सा एक पैराग्राफ पढ़ लिया आंखें बंद याद करो क्या पढ़ा, फिर ओपन फिर पढ़ो फिर याद करो, ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज सिस्टम। खुद भी करो और बच्चों को भी कराओ, क्योंकि रिटेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितना पढ़ लिया वो याद इम्पॉर्टेंट नहीं है, कितना है याद वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि परिस्थितियों में क्या याद आता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमने पढ़े हैं और बुद्धि में है वही काम देते हैं। मुरली में और एक छोटा सा एक वाक्य है, वो पहाड़ वाला पॉइंट जो है उसी के आगे, कौन सा, तेरा तुझको अर्पण, इस टाइप का कुछ वाक्य है, तेरा तुम ही जानो, क्या है एक बार देखना, छोटा सा एक वाक्य है पर बहुत अच्छा था वो। छोटा सा वाक्य है, तेरा तुम ही जानो, ऐसे कुछ। मुरली से छोटे छोटे वाक्यों को पकड़ना है, फिर क्या करना है, उनको बाहर खींचना है, अलग से लिखना है, और क्या करना है, उनको रिपीट 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 रिपीट, नहीं वो नहीं, चार लाइन का है, चार शब्द है बस, तेरा तुम ही जानो, तेरा तुम ही जानो, यही ना, हाँ यही है। इनको ऐसी चार उंगलियां ले लो, तेरा ऐसे करो, तुम ही जानो, तेरा तुम ही जानो, तो दिन में ये प्रैक्टिस करते रहना, तेरा दोनों हाथ से, तुम ही जानो, तेरा तुम ही जानो, तेरा तुम रिपीट 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 रिपीट, समर्पण समर्पण समर्पण, और ऑप्शन वन ऑप्शन बी जो जो दिखाई दे रहा है देखते हुए नजर घुमाओ, अपने घर को लाओ सामने, साइकिल स्कूटर गाड़ी दुकान बंगला बैंक सब कुछ दे दो, उसको थोड़ा सा देंगे ना तो वो क्या कर देगा, वो राजा ने दो गांव दे दिए, बाबा क्या देगा, सतयुग त्रेता युग दो युगों की बादशाही या उससे भी ज्यादा, तो एक तो वो और सकाश। होली के बाद क्या पॉइंट है, सकाश, रोज अमृत वेला ये काम करना है। किस किस को सकाश देंगे उसकी एक लिस्ट हमारे पास चाहिए, पहले तो पांच तत्व
बहुत फास्ट, एक मिनट में ये 10-15 चीजों जगह घूम के आ जाना है। पहले ऊपर दो है, नीचे तीन है। ऊपर कौन है? आकाश है, हवा है। नीचे कौन है? धरती है, अग्नि है, जल है। ऊपर दो, नीचे तीन, तुरंत। फिर यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, फटाफट पांचों खंडों के ऊपर जाकर सकाश। दुखी आत्माएं, अशांत आत्माएं, जो जो हमको पता है इस टाइप की जो आत्माएं, भक्त आत्माएं, विकारी आत्माएं, उन सबको। फिर और एक चार्ट है, सारे कुमार, सारी कुमारियां, सारी माताएं, सारे अधर कुमार, टीचर्स, सब सब सब, पूरा यज्ञ, इस यज्ञ को सकाश। ये सब काम महत्वपूर्ण है। केवल संसार की आत्माओं को सकाश वरदान, और यज्ञ की जो आत्मा है उन्हें प्यूरिटी के किरणें, क्या करना है? प्यूरिटी की किरणें देना है, या फिर शुभ भावना, शुभ कामनाओं की किरणें देना है, या फिर केवल प्योर वाइब्रेशंस, बस नथिंग एल्स। बट सबको, तो सबका सहयोग प्राप्त होगा। तो यहां क्या थी? सकाश की पॉइंट। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था? अकाउंट्स की चेकिंग। तो उसके लिए एक बुक चाहिए छोटी सी। बेंजामिन फ्रैंकलिन था विदेश का, फाउंडिंग फादर ऑफ अमेरिका, 1700 में, 17th सेंचुरी में। उसकी एक डायरी में उसने 13 पॉइंट्स बनाए थे। वो रात को चेक करता था, ये किया, ये किया, ये किया, झूठ तो नहीं बोला, सब ऐसे पॉइंट्स बना के रखे थे। तो हमें इंडिविजुअलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड अपनी एक चेकिंग लिस्ट बनानी है। कौन सी चेकिंग लिस्ट? उस पॉइंट्स की जो हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है, उसकी। निर्णय नहीं ले पा रहे जीवन में, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं, पकड़ के रखूँ कि छोड़ू, छोड़ू या पकड़ू, छोड़ू या पकड़ू, वो भी एक कमजोरी है। अनिर्णय, पश्चाताप भी एक कमजोरी है, छूट ही नहीं पा रहे पश्चाताप से, गिल्ट कॉन्शियसनेस है, अपराध भाव है भीतर, पाप हो गया, पाप हो गया, पाप हो गया। किसी को सुना दो जिसे हम बहुत अच्छा मानते हैं, बड़ा मानते हैं अपने से। एक तो बाबा को, सेकंड ऑप्शन कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर पूर्ण विश्वास हो, फेथ हो, और वो थर्ड पर्सन कोई होना चाहिए। पर अंदर का क्या करो, एक बार खाली कर दो, नहीं तो वो भारीपन आगे बढ़ना नहीं, बढ़ने नहीं देगा। मेरा कहा तो भारी, तेरा कहा तो हल्का, मेरा कहा तो छोटी बात बड़ी, और तेरा कहा तो बड़ी बात छोटी। ये भी है मुरली में, कितनी पॉइंट्स हैं, कहाँ कहाँ छिपी हुई। पहला तो मुरली अध्ययन होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप क्या है? मुरली अध्ययन। और उसको क्या करना है? डिवाइड कर देना है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग, स्पेस्ड आउट रीडिंग, थोड़ा गैप दे दो बीच में, फिर आ जाओ, फिर देख लो ये था अच्छा, ये था, ये था, ये था, ये था, ये था। और कोई अगर मिले और उसे ज्ञान योग में इंटरेस्ट है तो उसको भी सुनाओ, उसके साथ थोड़ा सा डिस्कशन करो, तो वो परमानेंट बैठ जाएगा इधर, अंदर ही अंदर। तो चेकिंग की पॉइंट्स थी। उसके बाद में और क्या था मुरली में? साइंस की पॉइंट, चेकिंग की पॉइंट, होली की पॉइंट्स, तीन समान और एक ड्रिल। इतनी बातें मुरली में थी। क्या था ये? तेरा तुम ही जानो, तेरा तुम ही जानो। दिन भर में ये करते रहना, इस छोटे से वाक्य को लिख के रखो, तेरा तुम ही जानो। धोखा नहीं देना, जैसे सेंटर पर एक माता थी, पहले भी सुनाया था, अचानक उसे सुई चुभ गई, रोज सेवा करती थी। उसने कहा मम्मी, सेंटर की बहन जी ने कहा तुम अभी भी मम्मी को याद करती हो? कहते मैं तो शिव मम्मी को याद कर रही थी। ऐसे
कैसे? शिव बाबा को मम्मी बनाने वाली आत्माओं को ऐसे सारे रिश्ते एक से जोड़ने वाली आत्माओं को, ऐसे फरिश्ता आत्माओं को, ऐसे बीती सो बीती पास्ट इस पास्ट करने वाली आत्माओं को, एक के रंग में रंगने वाली आत्माओं को, होली हो जाने वाली आत्माओं को, ऐसे होली बनने वाली आत्माओं को, ऐसे हाईएस्ट आत्माओं को, होलीएस्ट आत्माओं को, रिचेस्ट आत्माओं को, पदम भाग्यशाली आत्माओं को, ऐसे हर कदम में पदम जमा करने वाली आत्माओं को, ऐसे रहमदिल आत्माओं को, ऐसे एक सेकंड में क्या अशरीरीपन का अभ्यास करने वाली आत्माओं को, एक सेकंड में मन को जहां चाहो वहां लगाने वाली आत्माओं को, ऐसे अनेक मेरे को एक तेरे में समाने वाली आत्माओं को, एक मेरा बाबा में समाने वाली आत्माओं को, ऐसे तेरा तुम ही जानो, तेरा तुम ही जानो, ऐसे बेगर से प्रिंस बनने वाली आत्माओं को, ऐसे ऐसे वेस्ट वेस्ट संबंध संपर्क के खाते को समाप्त करने वाली आत्माओं को, ऐसे मन की परेशानी दुख अशांति वाली आत्माओं को, सुख की अंजलि देने वाली आत्माओं को, मनसा सकाश देने वाली आत्माओं को, वृत्ति से सेवा करने वाली आत्माओं को, ऐसे हर कदम में पदम हो गया, ऐसे हल्का रहने वाली आत्माओं को, ऐसे सौ हिमालय जैसी पहाड़ को भी क्या करने वाले, तेरा कहकर रुई बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 तन मन धन की पवित्रता, वचन की पवित्रता, कर्म की पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता, स्वप्न की भी पवित्रता को पालन करने वाली आत्माओं को, ऐसे 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 हो गया क्या? तीव्र पुरुषार्थ करने वाली आत्माओं को, त्रेता में न आने वाली आत्माओं, विशाल बुद्धि से अपनी चेकिंग करने वाली आत्माओं को, अपने चौपड़े को क्या करो बड़ा करने वाली आत्माओं को, और ऐसे ऐसे क्षमा करने वाली आत्माओं को, ऐसी पश्चाताप से मुक्त आत्माओं को, ऐसे फायदा नुकसान देखकर क्या किसमें फायदा है किसमें, ये भी अच्छी मेथड है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये संबंध है इसके फायदे क्या है इससे नुकसान क्या, ऐसे आईने में क्या देखोगे ढेर सारे सामानों वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद किया, गुड नाइट और नमस्ते, हम रूहानी की रूहानी बाप दादा को याद किया, गुड नाइट और नमस्ते।